अजमई अजम सानीरी आजम शीतला भवानीरी अजमई अजम सानीरी आजम शीतला भवानी। मैंने नौरातों में मम्मी का दरबार सेट किया है, मतलब सजावट की है, तो आप सबको बताना है मम्मी का दरबार कैसा सजाया है और कैसा मतलब उनका सिंगार हुआ है मम्मी का। ओहो पापा जी, ये बाबा हमारे, एक मिनट, ये हमारे साईनाथ बाबा जी हैं जो मेरी गुरु मम्मी के बहुत फेवरेट हैं। और ये देखो, ये वैष्णवी मम्मी है। मैंने इनका अब की बार पिंक कलर का मतलब लहंगा बनवाया है जो इन पे जचेगा। तो देखो, ये वैष्णवी मम्मी है जिनका मैंने पूरा लहंगा पिंक कलर का बनवाया है। तो आपको कैसा लगा ये वैष्णवी तो ये शेरा वाली मम्मी है। ये देखो, तो मैंने इनका लहंगा बनवाया है, आप बताओ कैसा बना है। और ये मम्मी शमशान वाली मम्मी है, तो ये सावली दिख रही है। ये देखो इनका लहंगा, देखो ये बालाजी है। और ये देखो, और ये कलकत्ते वाली मम्मी है, ये शीतला भवानी है, चुगान मम्मी है, और ये दिल्ली की महारानी है। ये देखो भाई, मैंने इनका लहंगा डिजाइनर ऐसा करवाया है और उन पर मैंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी बनाई है इनको। तो बताओ कैसी लग रही है ग्रीन कलर की ज्वेलरी। ये हमारे गणपति जी है जो मम्मी के बीच में बैठे हैं, और ये हमारी मम्मी है दुर्गा मम्मी। ये बताओ कैसा मतलब मम्मी का दरबार लग रहा है। ये माता मसानी चौकी लगती है और माँ का भवन इधर लगता है, इसलिए बताना है आप सभी को कैसा है माँ का दरबार। मैं आपको पूरे दरबार दिखा देता हूँ। ये मेरी मम्मी का पूरा दरबार लगता है, माता मसानी चौकी है। और अभी मतलब हमने सफाइयाँ की है तो बस थोड़ा बहुत मतलब रह गया है, तो वो हम करेंगे। कुछ काम है क्योंकि परसों से नौराते शुरू है। तो आप बताओ मैंने मम्मी का दरबार कैसे लगाया है। ये देखो, ये मनसा मम्मी है और यहाँ पे मम्मी की ज्योतियाँ चालू रहती है। और ये मेरी गुरु माँ, इसको तो आप सभी जानते हो क्योंकि ये मेरी गुरु मम्मी यूट्यूब पे रहती है। तो ये कालीघाट वाली मम्मी है। नहा मेरी गद्दी लगती है, गद्दी मैं इसलिए लगा के नहीं रखता हूँ क्योंकि गद्दी पे बच्चे भी चढ़ सकते हैं, और बच्चे तो चलो मायके है ही, पर किसी का पैर ना लग जाए इसलिए मैं गुरु गद्दी जो दी हुई है मैं उसको उठा देता हूँ। अभी इस पर इस एक्चुअली मेरे पास जगह थोड़ी कम है। तो ये माँ का भवन है, और आपको बताना है मम्मी का भवन कैसा बना हुआ है। और मैंने मम्मी का दरबार नौरातों के लिए कैसा सजाया है ये सब बताना है। अभी थोड़ा बहुत काम रह रहा है इसमें करने के लिए जो मुझे रेडी करना है। अभी इनका नीचे का भी अभी चेंज करना रह गया है, और मम्मी बड़ी थोड़ा सबसे प्यारी मम्मी लग रही है, नज़र न लग जाए मेरी माँ भगवती को। और तो अब इन पर चुन्नियाँ भी उड़ानी है जो नौरातों में मैं हर साल उड़ाता हूँ। हर साल क्या जब मतलब पहले नहीं था, अब मम्मी की कृपा से इतना आ गया है कि मम्मी अपने लिए तो रख ही लेती हैं। और ये कलकत्ते में रहते हैं, ये यद्या मम्मी है जो वहीं मम्मी का धाम बना हुआ है, मतलब
ये काली घाट वाली मम्मी है ना? ये मम्मी मेरी तीनों इसी में है। ये वैष्णवी मम्मी है, ये दिल्ली वाली कालका माँ है, और ये मेरी माँ है। चलो भाई, अब मम्मी का हो जाएगा। अब वकी अब डालते हैं इसको यूट्यूब पे। ठीक है भाई, जय माता दी। Thank you.